मैं हूं आपके साथ बुशरा, और सबसे पहले खबर एक्सप्रेस स्पेशल में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। भ्रष्टाचार करने वाले लोग कोरोना संकट काल में भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना महामारी के दौरान भुखमरी मिटाने के लिए राज्य शासन ने गरीबों को निःशुल्क अतिरिक्त राशन वितरण करने के निर्देश दिए थे, जिसमें अंत्योदय राशन कार्ड हितग्राहियों को अप्रैल से जून तक प्रत्येक हितग्राहियों को 5 किलो राशन और दाल मुफ्त में वितरित किया जाना था। लेकिन मुंगेली जिले में सरकारी नुमाइंदों की अनदेखी के चलते कई सोसाइटी संचालकों ने इस पर जमकर भ्रष्टाचार करते हुए गरीबों के हक पर डाका डालने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा ही कुछ मामला जिले के ग्राम पंचायत फरहदा और मोहतरा कुर्मी में सामने आया है। यहाँ के ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालकों पर जुलाई और अगस्त माह में शासन के PDS योजना अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और हितग्राहियों को मिलने वाला अतिरिक्त राशन सामग्री को नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। लिहाजा ग्रामीणों का कहना है कि सोसाइटी संचालकों के द्वारा अतिरिक्त राशन सामग्री को बांटने की बजाय जमकर बंदरबांट किया जा रहा है, और उन्हें जो महीने में राशन देना था वो मिला है और अतिरिक्त राशन बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। लेकिन राशन दुकान संचालक के द्वारा भोले भाले हितग्राहियों के राशन कार्ड में अंकित जरूर किया जा रहा है। चना और चावल का वितरण नहीं किया गया, सरपंच द्वारा गमन कर लिया गया है। चावल गरीबों को नहीं दिया गया है, यही समस्या के लिए हम लोग आए थे कलेक्टर को ज्ञापन सौंप। दो माह होगा सर जी, चावल नहीं मिल रहा है, नमक नहीं मिल रहा है, मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, और आता है शक्कर भी आता है, उसको कहाँ करता पता नहीं। और हमको दो माह का जुलाई और अगस्त का बढ़ा हुआ चावल नहीं मिला है, केवल जो हमारे राशन कार्ड में मिला जाता है वही मिला है, इसमें न तो शक्कर मिला न चावल। मैं तो बांट डाली हूँ, 2-4-10 जने बचे होंगे, वो आएंगे तो देती जा रही हूँ, जो जैसे जैसे आ रहे हैं उस हिसाब से दे रही हूँ। यहाँ पे जो है PDS दुकानों से वो अतिरिक्त जो है अनाज वितरण नहीं किया गया है, और हितग्राहियों द्वारा भी शिकायत की गई है, तो इस संबंध में है विशेष परिस्थिति मानते गंभीर मामला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार रोहित कश्यप ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, यहाँ कोरोना काल में अतिरिक्त जो राशन वितरण का काम राज्य सरकार ने किया था उसकी तस्वीर उलट नजर आ रही है, लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जो केंद्र बनाए गए थे उनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या सफाई पेश की जा रही है? देखिए, ये विडंबना है और घोर लापरवाही भी कही जा सकती है, क्योंकि कोरोना संकट काल में जिस तरीके से आम से लेकर खास लोग और कई सामाजिक संस्थाएं भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सामने आए थे, और इसके अलावा राज्य शासन ने गरीबों को और खासकर जो प्रवासी मजदूर जो जिले में लौटे थे बड़ी संख्या में, इस दौरान हमारे मुंगेली जिले में प्रवासी मजदूर लौटे थे, इसके अलावा जो गरीब तबके के जो लोग थे जिनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई थी, रोजगार के संकट थे। रोहित, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ जिला अध्यक्ष BJP से जुड़े हुए हैं शैलेश पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका शैलेश जी। तो शैलेश जी से हमारे संपर्क टूट गया, लेकिन उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल आप अपनी बात को पूरा कीजिए कश्यप जी। तो बताना चाहूंगा कि राज्य शासन ने गरीबों को, हितग्राहियों को 5-5 किलो राशन सामान, दाल, शक्कर। चलिए, मैं लौट रही हूँ रोहित आपके पास। सागर सिंह बैस जी हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ गए हैं, जो कि जिला अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी मुंगेली से। बहुत स्वागत आपका सागर जी। जी धन्यवाद मैडम। सागर जी, आपके संज्ञान में बात होगी कि जो अतिरिक्त जी, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार जब से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है मैडम, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार जो है जितनी ज्यादा राहत हो सके जनता को देने का प्रयास कर रही है। दरअसल इसमें मूल कारण ये है मैडम कि अभी तक जितने जो राशन दुकान के जो PDS जो धारी लोग हैं, ये सारे BJP के कार्यकाल के समय के लोग हैं। ये लोग तो एक तो सरकार की छवि खराब करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और इनको ये पता है कि चूंकि अब आगे इनका रास्ता कठिन है, तो ये लोग क्या है घोटाले पे उतर आए हैं। तो ये आम जनता को जो 5 किलो चावल की बात हो चाहे वो 35 किलो चावल की बात हो, लगातार सारे राशन दुकानों से। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी आपसे सागर जी कि क्योंकि आप जिला अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुंगेली से, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ग्रामीण जो परेशान हो रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। तो आप अपने तौर पर क्या प्रयास कर रहे हैं?
बिल्कुल, मैं रिटर्न में कलेक्टर साहब को दिया हूँ, लिखित में दिया हूँ, और ऐसे जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं तुरंत उनके ऊपर एक जांच टीम बैठ रही, फूड ऑफिसर जो है हमारे फूड इंस्पेक्टर जो है तत्काल जा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी तक मैं कहता हूँ कि 15 से 20 ऐसी राशन दुकानें जहाँ शिकायतें आई हैं, प्राथमिक तौर पे हम लोग उसको। चलिए शैलेश पाठक जी से भी जानने की कोशिश कर लेते हैं, वो भी जिला अध्यक्ष है बीजेपी से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शैलेश जी बहुत स्वागत आपका। जी जी धन्यवाद। अभी तक जो पूरी बातचीत हुई, सागर जी से भी मेरी अभी तक बातचीत चल रही थी, वो आपने सुनी शैलेश जी? नहीं सुन पाया, अभी जुड़ा हूँ मैं लेट से। ठीक है, मैं इसी संदर्भ में वो बात कर रहे थे कि ग्रामीणों की आवाज पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं, कलेक्टर तक भी शिकायत करने की वो कोशिश करेंगे। अब क्योंकि मामला आपके भी संज्ञान में है, ऐसे ग्रामीण कब तक परेशान होंगे? आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं? जी जी, सोसाइटी में चावल वाला काफी मामला आया है, कम कम दे रहे हैं, कार्रवाई भी हुई जरूर हुई है, लेकिन इसमें भी भेदभाव किए जा रहे हैं। लोग जो कांग्रेस समर्थित है उनको कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हम लोग गए थे कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। मैडम, इनके कार्यकाल में पहले कांग्रेस समर्थित किसी कार्यकाल किसी को आज तक कोई राशन दुकान मिला ही नहीं है, सारे भाजपा ही लूट खसोट किए हैं 15 साल। ये जो बोल रहे हैं एक ग्रुप कलर के सारे राशन दुकान की बात हो चाहे रेडी की बात हो, सारे इन्हीं के लोग हैं, सारे ये लोग बर्बाद करके रखे हुए हैं। देखिए ये कोरोना, मैं आप दोनों से ये कहना चाहूंगी कि ये कोरोना काल की लड़ाई थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकारों ने ये सहयोग करते हुए अतिरिक्त जो सामग्री है वो बांटने का काम किया था। लेकिन भ्रष्टाचार बता रहा हूँ जी, आपसे मैं बात चाहूंगी, पहले सागर जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, रुक जाइए सागर जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, शैलेश जी से जवाब ले लेते पहले। जी शैलेश जी, जो अतिरिक्त वो भी नहीं मिल पा रहा है, अतिरिक्त तो मिलना चाहिए, अब शासन भेज रही है लोगों को, पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचे तो शिकायत करने के बाद उसके बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी नमना है ये, जबकि हम जानकारी दे रहे हैं बकायदा यहाँ के सोसाइटी नहीं मिल पा रहा है। देखिए शैलेश जी मैं आपको बता दूं, अभी जैसे कि सागर जी कह रहे थे कि क्योंकि वो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किए कि वो कलेक्टर तक बात पहुंचा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? नहीं कलेक्टर बात दो बार नहीं, तीन बार चार बार हो गया आते हुए, केवल देखेंगे बोलते हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं भी आश्वासन देता है आश्वासन। चलिए सागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सागर जी बोलिए। एक हम भैया कह रहा हूँ, शैलेश जी मैं आपको बता दूंगी, रुक जाइए सागर जी को, शैलेश पाठक जी को मैं चुनौती देता हूँ, आज तक ये एक ज्ञापन अपना जो खड़े होके एक फोटो दिखा दे मेरे को, विपक्ष सुनिए, विपक्ष का काम भी हम ही लोग कर रहे हैं मैडम, मुंगेली जिला विपक्ष विहीन है, मुंगेली में विपक्ष का काम भी हम लोग ही कर रहे हैं, हम लोग ही कर रहे हैं विपक्ष का काम, इनको इनको जन सरोकार का कोई मतलब नहीं है। जो राशन दुकान से रहने वाले लोग हैं भाजपा के लोग हैं, इनका काम सिर्फ यही है कि ये पैके लूट खसोट करें और कांग्रेस सरकार को मतदान करने का काम कर रहे हैं, सारे मुंगेली का वहाँ कल मैं खड़े होकर निलंबन कराया हूँ, वहाँ भी शिकायत बोलिए शैलेश जी आपके पास वापस आऊंगी, रुक जाइए सागर जी की बात को पूरा हो जाने दीजिए। जी जी जी, भालापुर पंचायत की बात बता रहा हूँ मैडम, वहाँ का जो राशन दुकान चलाने वाला था पुन्नूलाल मोहले जी का एकदम दाहिना हाथ था, कल उसको राशन दुकान हम लोग सबूत मिला तो हम उसको निलंबित कराएं, कल की बात बता रहा हूँ आपको, कल के डेट में आप पता कर सकती हैं। तो लगातार हम लोग सक्रिय हैं और लगातार जहाँ भी शिकायत मिल रही है तुरंत कार्रवाई करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इनके हाथ में सारे भाजपा के लोग चला रहे हैं, सिर्फ ये सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और खाली लूट खसोट कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल जागृत हैं, आपको एक महीने के अंदर कम से कम 20 राशन दुकान आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए। चलिए आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और जो सामग्री उन्हें नहीं मिल पा रही है कोरोना काल में, ऐसे में जल्द से जल्द उन्हें जो सामग्री है वो वक्त पर मिल पाए, यही हम उम्मीद करते हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फसल खराब हो जाए